नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री ज्योतिष मिराकल के आज के एपिसोड पर आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। मेरे प्यारे दर्शकों, हर एपिसोड में हम आपके लिए लेकर के आते हैं कुछ खास और कुछ नई जानकारी। समय समय पर आप सभी भक्तों के प्रश्नों के उत्तर, चाहे वो कमेंट के माध्यम से हो, चाहे वो मेल आईडी के माध्यम से हो, हम देते रहते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि आपने जो भी प्रश्न हमसे किया है, हम जल्द से जल्द उस प्रश्न का उत्तर आपको दे सकें। आज का यह एपिसोड बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ काले तिल दान करने के कुछ ऐसे फायदे जो आपको जीवन पर्यंत सुख दे सकते हैं, जीवन पर्यंत आपको आनंद दे सकते हैं। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में दान का बहुत महत्व बताया गया है, हमारे सनातन धर्म में दान की बहुत महिमा बताई गई है। कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी आय में से कुछ ना कुछ दान करता है, उसके परिवार में उसके स्वयं के ऊपर कभी कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में रोग कष्ट आपसे दूर रहे, आपको कभी किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, तो मनुष्य का जो कर्तव्य होता है कि पैसा कमाने के साथ साथ कुछ को कुछ ना कुछ दान भी जरूर करना चाहिए। प्यारे साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप काले तिल दान करते हैं तो इसके क्या क्या लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। एपिसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके विष्णु भगवान को नमस्कार करेंगे। ओम शांताकारं वृषैनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं श्री लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विद्यारगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैक्यनाथनं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो मेरे प्यारे दर्शकों, मैं पंडित नीति शास्त्री हाजिर हूँ आप सभी भक्तों के सामने आज के इस नए एपिसोड के साथ। आज हम बात कर रहे हैं काले तिल। जी हाँ, काले तिल का जो आम तौर पर प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है हवन पूजा पाठ में। जी हाँ, कहते हैं कि जिस हवन में सामग्री में काले तिल प्रयोग में लेकर के आए जाते हैं, ऐसे हवन संपूर्ण होते हैं और ऐसे यज्ञों में कभी कोई बाधा कोई रुकावट नहीं होती जिन यज्ञों में काले तिल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ काले तिल के ऐसे चमत्कारी फायदे जो आपको जीवन पर्यंत लाभ दे सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर हम काले तिल दान करते हैं तो उसके क्या क्या परिणाम हमें मिलते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्योतिष मिराकल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लेंगे, जिससे आपको आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए अब हम आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले तो एक बात अच्छी तरह से आप समझ लें कि आजकल जो काले तिल है वो आसानी से मिल तो जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, उन काले तिलों के ऊपर आर्टिफिशियल रंग होता है या उनको काले रंग में जड़ करके देते हैं। तो एक बार जब आप काले तिल बाजार से लेने जाएं, उनको अच्छी तरह से अपने दोनों हाथों पर रगड़ करके देखें, अगर तो वो रंग छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं में मिलावट है। अगर काले तिल को हाथ में रगड़ने के बाद वो रंग नहीं छोड़ते हैं तो इसका मतलब है काले तिल शुद्ध है। शुद्ध काले तिल ही आपने लेकर के आने हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको काले तिल दान करने का फायदा मिले। तो प्यारे दर्शकों, अब यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले और सबसे बड़े फायदे की जो काले तिल का दान करने से हमें मिलने वाले हैं। सबसे पहला फायदा, अगर
पितृ दोष बन रहा है तो उसके निवारण के लिए काले तिल बहुत ज्यादा शक्तिशाली कहे गए हैं, बहुत ज्यादा दिव्य चमत्कारी कहे गए हैं। प्यारे साथियों, आपने हर बुधवार के दिन शाम के टाइम चलते हुए पानी में काले तिल प्रवाहित करने हैं, यानी कि चलते हुए पानी में बुधवार की शाम को आपने चलते हुए पानी में काले तिल छोड़ने हैं। ऐसा करने से आपके परिवार में जितना भी पितृदोष बन रहा है वो सारा पितृदोष धीरे धीरे करके समाप्त होगा और आपको हर प्रकार के पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। दूसरा सबसे बड़ा फायदा, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि देव किसी प्रकार से पीड़ा दे रहे हैं तो आपने शनिवार के दिन शनि मंदिर में काले तिल जरूर अर्पण करने हैं। ओम शम शनैश्चराय नमः बोलते हुए शनि देव को आप काले तिल अर्पण करें, बहुत ही जल्द शनि ग्रह के सभी क्रूर प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी और आपके शनि जो है आपको शुभ फल देना प्रारंभ करेंगे। तीसरा सबसे बड़ा इसका फायदा, अगर आपके परिवार में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा, नकारात्मकता बहुत ज्यादा हो रही है तो आपने काले तिल लेकर के उनको जो है रविवार के दिन एक तांबे के लोटे में जल डाल करके, काले तिल डाल करके आप किसी भी फल वाले वृक्ष की जड़ में दे दें। ऐसा करने से आपके परिवार में जितनी भी नेगेटिविटी है तुरंत प्रभाव से वो नेगेटिविटी दूर होगी और परिवार में सकारात्मकता का माहौल बनने लगेगा। अगला सबसे बड़ा फायदा, अगर आपके रोजगार में दिक्कत आ रही है तो सोमवार के दिन तांबे के लोटे में ताजा जल भर करके उसमें आपने काले तिल डालकर पीपल के वृक्ष की जड़ में देने हैं। ऐसा करने से आपकी नौकरी में आ रही समस्त अड़चने, समस्त रुकावटें दूर होंगी और शीघ्र अतिशीघ्र आपके प्रबल नौकरी के योग बनेंगे। अगला सबसे बड़ा फायदा, अगर परिवार में किसी भी तरह से किसी सदस्य पर रोग चल रहा है, बड़े लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है तो उसकी निवृत्ति के लिए आपने उस रोगी व्यक्ति का हाथ लगवाकर, जी हाँ, काले तिलों को रोगी व्यक्ति का हाथ लगवाकर आपने दिन में किसी भी टाइम उन तिलों को चलते हुए पानी में छुड़वा देना है। किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं, तुरंत उसके शरीर पर जो भी रोग, जो भी कष्ट है वो दूर होगा और हर प्रकार से उसका शरीर स्वस्थ होने लगे। आशा करता हूँ जानकारी पसंद आएगी। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। जय माता की।